अस्सलाम वालेकुम जी तो नाजरीन, आज हम लेके आए हैं उस फिल्म का रिव्यू जो साल 1973 में 92 नंबर पर रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था गुलाम। जुमर पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की जाने वाली इस फिल्म के सरमायाकार खलीफा खुर्शीद अहमद और खलीफा सरवर सईद थे, जिसकी कहानी और मुकालमे सिक्केदार ने लिखे। फिल्म के हिदायतकार खलीफा सईद अहमद थे, जिसकी अक्सबंदी एम फाजिल और एम सिद्दीक ने की। पंजाबी जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई। अदाकारों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आइए देखते हैं। फिल्म के नुमाया अदाकारों में सुधीर, आसिया, इकबाल हसन, आलिया, अकबर, खलीफा नज़ीर, मज़र शाह, इलियास कश्मीरी, जग्गी मलिक, तबस्सुम, नईम हाशमी, कमाल ईरानी, नन्हा, सीमा, सिक्केदार, इकबाल दुर्रानी, अजरा जबी और मुरीद अहमद शामिल थे। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सेदार थे, किस गुलूकार या गुलूकारा ने इस फिल्म के गीत गाए, किस शायर ने उन गीतों की शायरी की और किस मौसीकार ने उसकी धुनें तरतीब दी, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां और अफशा के गाए गानों की शायरी ख्वाजा परवेज और वारिस लुधियानवी ने की, जिसका म्यूजिक कमाल अहमद ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूरजहां ने 7 सोलो गीत गाए, जबकि मैडम नूरजहां और अफशा ने 1-2 गाना गाया। अब आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के गानों और उनको गाने वाली गुलूकाराओं पर। नीज यह भी देखते हैं कि यह गीत किस अदाकारा पर फिल्माया गया। आठ गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूरजहां के तू मी चला मैं मी चली यह गीत अदाकारा आलिया पर पिक्चराइज हुआ। शाला जुग जुग जीए माही दिल विच रहंदा माही सारी दुनिया देवे ये गीत अदाकारा आलिया पर अक्सबंद हुआ। मैं सदके तेरे सोनिया तेरे ना तो ये गीत अदाकारा आसिया पर फिल्माया गया। मैं नचा तू वेखी जा मैडम नूरजहां का गाया हुआ इस फिल्म का मशहूर जमाना गीत वक्त गुजरदा जाए ए जाके फिर ना आए ये गीत अदाकारा आसिया पर शूट हुआ। वंगा मेरियां जे तू छेड़ियां ये गीत भी अदाकारा आसिया पर पिक्चराइज किया गया। मैडम नूरजहां और अफशां का हाय निकंडा चुब गया रेशम वर्गी नरम तली विच ये गीत अदाकारा आलिया और आसिया पर पिक्चराइज हुआ।
यह फिल्म भी 28 दिसंबर 1973 फिल्म फरहाद शीरी और धरती शेरांदी के साथ रिलीज हुई। कराची में इसे जुबली, रीगल, फैसलाबाद के रैक्स, रावलपिंडी के प्लाजा, नाज, गुजरांवाला के गुलिस्तान, सियालकोट के खान महल, लाहौर के कैपिटल, सनोबर, शालीमार, अफशां, कैपरी और कोहेनूर में पेश किया गया। अपने अपने शहरों के सिनेमाओं की मालूमात देने पर हम जनाब जवार कॉमरेड, कदीर राणा, मोहतरमा कौसर बुखारी, अब्दुल कलाम, रशीद नाज, मोहम्मद आमिर, शराफत हुसैन और तनवीर अहमद के मशकूर हैं। इस फिल्म ने पहले एक दो हफ्ते तो मुनासिब बिजनेस किया, मगर इसके बाद इस फिल्म का बिजनेस इतना गिरा कि दोबारा उठ नहीं पाया और यूं ये फिल्म किसी भी दर्जाबंदी में शामिल हुए बगैर माजी में गुम हो गई। तो यह था फिल्म गुलाम का एक मुख्तसर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।